हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने आज के इस वीडियो में हम पेपर के फिश बनाएंगे, तो उसके लिए हमें कुछ सर्कल्स कट करने पड़ेंगे। कुछ सर्कल्स हमें बिग साइज का बनाना पड़ेगा और बाकी सर्कल्स हमको स्मॉल साइज के बनाने पड़ेंगे। तो मैंने एक स्काई ब्लू का पेपर लिया, जिससे मैंने एक बिग सर्कल कट करा और पिंक कलर के दो छोटे सर्कल कट करे और येलो कलर के 6 छोटे सर्कल्स को मैंने कट कर लिया है। देन उसके बाद एक पेपर पे मैंने आईज ड्रॉ करी और उस आईज को कलर करने के बाद विद द हेल्प ऑफ ग्लू मैंने उसको स्काई ब्लू वाले पेपर के ऊपर पेस्ट कर दिया। इससे वो हमारी फिश की आईज बन जाएगी। उसके बाद जो हमारे 6 कलर के येलो पेपर हैं, उनको हम हाफ कट करेंगे, उनका एक सेमी सर्कल हम उसका बना लेंगे। जब वो हमारे सेमी सर्कल कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसको हम इसी तरीके प्रोसेस हमको पिंक वाले पेपर पर भी फॉलो करनी है। तो जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा, तो हम देखो इसको कुछ इस तरीके से आप लगाएंगे विद ग्लू के सहायता से। हम दोनों पिंक कलर के पेपर को बना आपस में पेस्ट कर देंगे, जिससे वो फिश का माउथ बन जाएगा। और उसको फिर हम ऐसा बनने के बाद उस फिश के आगे उसको लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फिश का माउथ रेडी हो गया है। अब हम येलो कलर के पेपर्स लेंगे और उनको भी इसी तरीके से करते हुए उसकी फिश की हम फिन और उसकी टेल को बना देंगे। जिस तरीके से हमने फिश का माउथ बनाया था, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम उसकी पीछे से फिश की टेल को भी उसी प्रोसेस में हम बना देंगे और उसको भी हम ऐसे फिश की लास्ट साइड पर उसको हम पेस्ट कर देंगे ग्लू की मदद से। और इसी तरीके से आपको फिन और उसके फिन्स को लगा देना है, जिससे आपकी एक सुंदर सी फिश रेडी हो जाएगी। जिस तरीके से आप इस वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी फिश काफ़ी सुंदर बन जाएगी। तो देखिए, हमारी एक सुंदर सी फिश इस तरीके से रेडी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर।